पूरी तरीके से सूख चुके हैं अपना पैर में मेरे पेन है। वेलकम बैक टू अनी व्लॉग। तो आज सुबह जैसे कि गोरखनाथ से हम लोग आ गए थे, हालत बहुत गंदी वाली मेरी ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ना मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह ऐसा था, जब मैं उठी थी तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतना प्रॉब्लम होगा मेरे साथ, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। वहाँ मैं गई बट मेरा अब हालत ऐसी हो गई है ना मेरी कि मतलब ना मुझे हर जगह से बैठना ही चाहिए। अब मैं ना कोई मुझे कह दे कि चल के थोड़ा घूम लो, ये कर लो, बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैर में मेरे पेन है और रेगुलर ऐसा कभी नहीं होता कि बिना मैं तेल या मालिश किए मेरे पैर में कभी राहत मिली है। वो भी अगर मैं थोड़े आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊँ, कुछ काम करूँ, तो भी मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम आ गई। मतलब मैं पैर पूरी तरीके से सूज चुके हैं और आप देख सकते हो ना डार्क सर्कल। मेरे प्रेगनेंसी में कभी इतना डार्क सर्कल नहीं रहा है, बट इस बार है। आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने आईलाइनर लगाया था। कोई बात नहीं, आज आईलाइनर लगाया था तो वही मैं सो करके उठी तो मैं चेहरा पर धोई हूँ तो शायद हो सकता है उसी से स्मच किया हो। और आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा खाना से लेकर सब बाबू को खिलाना पिलाना सब यही किए हैं। मैं तो यहाँ तक कि सो नहीं पा रही थी, नींद बहुत आ रही थी पर सो नहीं पा रही थी। और देखो गनू ने क्या लिया है ना। हाँ ऐसे करना है। हाँ, हाँ। तो वहाँ से आने के बाद अभी शाम को मैं 3-4 बजे उठी सो करके, और उसके बाद काम कुछ करके नहीं गई थी मैं। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सारा काम किया है। सारा काम मतलब झाड़ू हो गया और थोड़े बर्तन रखे हुए थे 3-4, वही सारे धुले हैं और कुछ नहीं था। तो सर्दी भी मुझे हो गई है तो जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और तो मैंने अभी दूध और ब्रेड जस्ट खा करके अभी जस्ट रखा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, हालत वैसी ही है पर खाना बनाना है तो देखते हैं। आज इनका मन कर रहा था कि चिकन बनाने का, तो चिकन लाए हैं, चिकन और चावल बनाएंगे। और गन्नू यहाँ पे सब अपना ताम झाम लेकर के बैठ चुका है। मतलब उसके खिलौने सारे फैल, इतना है बच्चे में कि मतलब जितना खिलौना ये निकालता है ना, थोड़ा डांट दूंगी ना तो सारा उठा करके रख देगा। डैडी को बोलो जाओ। और दोनों मिल के मेरी केयर बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर ये एक निवाला खिलाता रहा तो निवाले के नीचे हाथ मेरा गन्नू रखता है कि मम्मा का कहीं खाना ना गिर जाए। अभी इतनी हालत बेकार नहीं हुई पर फिर भी आज खाना यही जब खिला रहे थे तो गन्नू की यही मेरे को यही आदत है, मुझे उसकी देख देख के थोड़ी अच्छी लगती है। और बहुत सपोर्टिव है ये सब मामलों में। और आज के कपड़े कुछ नहीं धुले हैं, आज सारे वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं तो सारे के सारे कल होंगे। मंडे है कल बहुत काम हो जाता है, सुबह सुबह तो इतने काम होते हैं। हाँ मुझे नहीं आता यार, बेबी नहीं बांधते ना ऐसे, छोड़ दो ऐसे ही खेलो ऐसे ही। तो अभी बनाना है खाना और सारी तैयारी करनी है, मतलब प्याज ये सब कट करना है। जो बनाने में चिकन ही बनाने में जो टाइम लगता है लगेगा, बाकी तो कुछ इतना टाइम लगने नहीं जा रहा। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है चावल, सोचा चिकन बना रही हूँ तो सबसे पहले चावल चढ़ा दूँ। तो शाम के टाइम में मेरा मन किया चावल खाने का, इसलिए चावल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदाज़ा ही पानी डालती हूँ, तो मैं हाथ डाल के एक बार चेक कर लेती हूँ। मुझे वैसे अंदाज़ा पड़ जाता है कि इतने में इतना चावल रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही थी और उसके बाद मुझे आज चिकन भी बनाना था। तो इस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है जो कि अब चिकन की मैं तैयारी करूँगी। अब यहाँ पे
ऑयल फटाफट डाल दूँगी और तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ। और यहाँ पे ये वाले मसाले जीरा लहसुन और काली मिर्ची, इसको अच्छे से सिलवट्टे पे मैं पीसूँगी और यहाँ पे जीरे का फ़ौरन दूँ और उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो इसको हल्का फ्राई करूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से चलाती रहूँगी एंड ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होगा ना, तो उसके बाद मैं इसमें सारी चिकन मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने चिकन लिए थे उसको यहाँ पे अच्छे से ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से तब तक फ्राई करूँगी। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई होगा, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में दिखा रही हूँ इसको, तो इसमें थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें हल्का नमक भी डाल दिया था और उसके बाद धीरे धीरे सारे मसाले डालूँगी, क्योंकि चिकन बहुत देर तक फ्राई होता है, तो धीरे धीरे सारे मसाले करके डालते जाएँगे। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का उसका थोड़ा सा पानी ये सब छोड़ना शुरू किया, तो मैं यहाँ पर नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और वो जो मैंने अपना मसाला जो बताया था पीस रखा था, लहसुन और ये जीरा और काली मिर्च का, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, हल्का सा पानी यहाँ पे वो किया और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये थोड़ा मैंने स्पीड में दिखाया है, नहीं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्राई नहीं किया है। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो इसको ढक ढक के भी पका सकते हैं, आपको जिस हिसाब से इसको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। विदाउट ग्रेवी वाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ग्रेवी वाली भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से देख रहे हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है, तो मुझे कुछ एक आग दो पीसेस गन्नू के लिए निकालने होते हैं जल्दी, तो इसीलिए मैं इसको ढक ढक के पका लेती हूँ, क्योंकि गन्नू खाता है मेरा। और ये जैसे यहाँ पर हो चुका है, ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है, तो अब इसको मैं अच्छे से ढक लेती हूँ 2-3 मिनटों के लिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है। अभी कौन आया था बताओ? बिल्ली आया था। कैसा दिखता है वो? काला दिखता है। बैक है। बैक है, अच्छा। हाँ, इसको बैक नहीं बोलते, इसको ब्लैक बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? ब्लैक। ब्लैक। हाँ, ब्लैक इज काला। कैसे काटता है? ऐसे 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 काटता है। हाँ, आपको काटा था क्या? अभी ऐसा हुआ कि अभी बिल्ली आई थी गन्नू का हक्का बकार तो मिल गया देख करके उसे। डैडी भगा दिया, इसे काला काला बिल्ली है। हाँ, डैडी भगा दिया काला काला बिल्ली। याद आ जाता है। हाँ मेरे तो अब यहाँ पे लास्ट मैंने चिकन मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा, ये ऑलमोस्ट पक चुकी थी तो लास्ट में मैंने इसे ऐड किया है चिकन मसाले को, और उसके बाद 3-4 मिनट में अच्छे से इसको पकाऊंगी और ये हो गया हमारा डन। तो वो तो हम लोगों ने खा पी करके रात को ख़त्म कर लिया था, तो सुबह का सैंडविच बनाना था गन्नू को स्कूल भेजने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पर सैंडविच की तैयारी कर रही थी। गन्नू को टिफ़िन में भी देना था, उसको खिला करके भेजना भी था, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो यहाँ पे सारा फटाफट से काम फिनिश कर रही थी। और
उसे रेडी भी करना था, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, तो इसीलिए फटाफट से यहाँ पे ये सारे काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि उसके बाद उसको खिलाना पिलाना, उसके सारे बैग में उसके बुक्स रखना, सारे काम हो जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैंने हल्का सा रिफाइन ऑयल डाल करके इसको वो कर दिया है। तो ये वीडियो आप लोग को लगी कैसी आप ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना।